भारतीय टीम वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए त्रिनिदाद पहुंच चुकी है, जहां से अपना पहला वनडे मैच खेलना है। पर वनडे मैच से पहले नेट प्रैक्टिस में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय खिलाड़ी को इंडोर प्रैक्टिस करनी पड़ी। असल काफी बारिश हो रही थी, जिस कारण भारतीय टीम बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इंडोर प्रैक्टिस के दौरान राहुल द्रविड़ ने एक रणनीति अपनाई। दरअसल उन्होंने एक बॉलर अली को बुलाया और शुभमन गिल को उसे खेलने को कहा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास 2-3 लेफ्ट आर्म सीमर हैं, जिसका सामना भारतीय टीम को पहले वनडे से करना पड़ सकता है। ऐसे में राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी पहले से ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हुए अच्छी तरह रणनीति बना लें कि उन्हें मैच में किस तरह खेलना है। राहुल द्रविड़ ने यह भी बताया कि लेफ्ट आर्म सीमर किस तरह बॉल को स्विंग और टर्न करवा सकते हैं, किस लेंथ पर वो बॉलिंग डालते हैं और आपको किस तरह अपने आप को तैयार कर लेना है। ओपनरों ने जमकर अली के साथ अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस न्यूज में इतना ही। न्यूज पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।